8 मार्च महिला दिवस। सभी महिलाओं को, सभी नारी शक्ति को आज प्रणाम, बधाइयां और शुभकामनाओं के साथ हम अपना ये वीडियो 8 मार्च का महिला दिवस का शुरू करते हैं। नौ, एक महिला का जैसे ही नाम आता है तो हमारे सामने एक क्या इमेज बनती है? त्याग की मूर्ति, प्यार का प्रतीक, ममता की प्रतिमा, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप की एक इमेज एक महिला के बारे में बनती है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति ने, ये नेचर महिलाओं को प्रदान किया है कि वो एक सॉफ्ट नेचर्ड है, दयालु स्वभाव की है, ममता का प्रतीक है, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, सभी के प्रति समर्पित है। ये एक प्रकृति ने एक नेचर महिलाओं को दिया है जो नैसर्गिक रूप से हर महिला के अंदर होता है। अब क्या हुआ कि समय की परिस्थितियों को देखते हुए महिलाओं को कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़े। वहीं पर महिलाओं को दुर्गा शक्ति, इसका भी रूप के इस रूप में भी जाना जाना शुरू हुआ कि महिलाएं दुर्गा का प्रतीक हैं। कठिनाई आने पर, परेशानियां आने पर महिलाएं शक्ति अपना प्रदर्शन कर सकती हैं और करती ही हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब अगर आप महिलाओं के रूप को देखें कि महिलाओं के क्या क्या रूप हैं एक समाज में, महिला किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, पत्नी है, भाभी है, चाची, मामी, दादी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सास, ननद, एवरीथिंग, ये सारे रिश्ते महिलाओं में मिलेंगे आपको, ठीक। लेकिन होता क्या है कि जब तक हम ये देखते हैं कि एक बचपन में सभी का एक ही बेसिक नेचर होता है महिलाओं का, ये हमने देख लिया, लेकिन जैसे ही उसका रोल चेंज होता है तो उसका नैसर्गिक नेचर चेंज क्यों हो जाता है? हमने ये बोला कि महिलाएं बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, दयालु होती हैं, लेकिन जैसे ही एक महिला सास बनती है या ननद बनती है या कोई बॉस बनती है या जिठानी बनती है किसी वर्किंग किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में या किसी भी कॉरपोरेशन में, जब वो बॉस बनती है, उसके नीचे कई दूसरे लोग रहते हैं, तब उसका रोल चेंज क्यों हो जाता है? हम ये बोलते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन जब हमारे घर की बेटी कुछ बाहर निकल के कुछ वर्क करना चाहती है तो हम उसे मना करते हैं, ये भी होता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि सामाजिक परिस्थिति कई बार ऐसी होती है कि लड़कियों को बाहर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें भी हम उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देकर, कुछ समझाइश देकर के हम उससे उसको मोटिवेट कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। अब आया, ये हमने आपको बता दिया कि जब एक महिला बॉस बनती है, उसके नीचे कोई दूसरे कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, दूसरी महिलाएं भी काम कर रही हैं, तब क्या स्थिति होती है कि जो महिला बॉस है वो अपने नीचे की महिलाओं को उतना सपोर्ट नहीं करती। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ जाती है कि एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन होती है। तो थोड़ा सा महिलाओं को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने, हम एक दूसरे का साथ बने और हम एक दूसरे का मजबूती से साथ दें, तभी हम महिला होते हुए हमारा जो प्राकृतिक नेचर है हम उसको चरितार्थ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आए महिलाओं को। आपने देखा होगा कि अभी समाज की जो स्थिति है उसमें महिलाओं के संग बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, चाहे सोशल प्रैक्टिसेस, कुरीतियां भी हैं, डाउरी सिस्टम है, अलग अलग जो सिस्टम समाज में चल रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन कुरीतियों को मोटिवेट नहीं करना है, चाहे वो डाउरी सिस्टम हो, चाहे महिलाओं के प्रति जो अब्यूज वाले केसेस आ रहे हैं, अगर हम उनको मोटिवेट करेंगे तो वो और डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो हम एक महिला होते हुए हमें दूसरी महिलाओं के संग कोई अत्याचार ना हो, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। और ये तभी संभव है चाहे हम किसी भी रूप में हो, जब हम महिलाएं एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के उस पर्टिकुलर कुरीति के खिलाफ हम इकट्ठे होकर लड़ाई करें, तभी हम उस कुरीति से हमारे समाज को बचा सकते हैं। एक ये बहुत बड़ा पॉइंट। एक और पॉइंट जो बहुत ज्यादा दिमाग में आता है, क्या होता है कि हमको कानून की तरफ से, भारतीय संविधान की ओर से हमें बहुत सारे महिलाओं को राइट्स मिले हुए हैं, तो अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाएं उसका मिसयूज करती हैं। तो जब महिलाएं किसी भी लॉ का या उनके बेटरमेंट के लिए, उनके बेहतरी के लिए जो कानून बना है, अगर हम उसका मिसयूज करते हैं और कोई इनोसेंट व्यक्ति को उसके में फंसा देते हैं या ट्रैप कर लेते हैं, तो नतीजा क्या होगा? जब वो बात खुलेगी तो हमारी ही बेइज्जती होगी। और दूसरी बात क्या होगी, अगर कोई व्यक्ति,
कोई लड़की या महिला जिसके संग वाकई में कुछ गलत हुआ है, जब वो अपना केस लेकर के जाएगी पुलिस के सामने या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, तो उस पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। तो पहली चीज तो हम महिलाओं को एक बात का ध्यान बिल्कुल देना चाहिए कि कोई भी चीज है, कोई भी कानून जो हमारी बेहतरी के लिए बना है, हम उसका मिसयूज बिल्कुल भी ना करें, ताकि कोई जरूरतमंद महिला उसका फुल सपोर्ट लेकर के अपने लिए न्याय प्राप्त कर सके। और बहुत बड़ा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते, जस्ट शॉर्ट एक वुमेन्स डे का मैसेज था। तो सभी महिलाओं को एक मैसेज हम लास्ट में देना चाहेंगे सब, क्योंकि ऑफ कोर्स सभी महिलाएं आज के जमाने में बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब समझदार हैं, पूरी दुनिया उन्होंने देखी हुई है, लेकिन स्टिल एक ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज आपके लिए एक क्विक सिंपल 5-6 मैसेजेस हैं। जस्ट कीप इन माइंड, फर्स्ट थिंग, स्टे यूनाइटेड। जब यूनाइटेड रहेंगे आप, तभी आप हर बुराई के खिलाफ लड़ सकते हैं, हर बुराई से अपने आप को बचा भी सकते हैं और लड़ भी सकते हैं, दूसरी महिलाओं को सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी पॉइंट आया कि अपने आप को आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग करिए, वन थिंग, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। आप ये कह सकती हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहा है, मुझे पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप पैसा जो आप भले चाहे आपकी जो भी एज हो, चाहे आप 40s में हो, 50s में हो या कम एज में हो, अगर आप अपने आप के लिए, आप आपके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी। ऑफकोर्स यस, आपके परिवार में बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, बिल्कुल, वेरी गुड, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहे हैं। चलिए हमने ये भी मान लिया फाइनेंशियली स्ट्रांग आप कुछ नहीं करना चाहते, आप फाइनेंशियल वर्क कुछ नहीं करना चाहते, ना करिए। आप आपकी कोई ना कोई हॉबी को डेवलप करिए। अगर आप आपके किसी हॉबी को डेवलप करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप एंगेज रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सोसाइटी में आपका एक स्टेटस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो आप अपनी हॉबी को डेवलप करिए, चाहें तो आप एक छोटा मोटा कोई एंटरप्रेन्योर यूनिट सेटअप कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें इट्स नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, आप आपकी हॉबी को डेवलप करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा सोसाइटी में, और सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेंस 100% इम्प्रूव होगी और इंक्रीज भी होगी। नेक्स्ट कम्स, एक छोटे सी बात मैं कहना चाहूंगी, प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं कि महिलाओं ने अपने अपने संतानों के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड रहती हैं। ये आपको पता होगा कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ज्यादा मदर्स से प्रभावित होते हैं। उसका एकमात्र रीजन यही, ऑफकोर्स यस, कि पिताजी, जो बच्चों के पिताजी हैं, उनको अपनी ड्यूटी के सिलसिले में 7-8 घंटे के लिए बाहर जाना रहता है, या जो भी मतलब वर्किंग आवर्स उनके ज्यादा रहते हैं, तो बच्चे मैक्सिमम टाइम अपनी मदर्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो बच्चे जब मदर्स के संग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चे मदर्स के जो भी उनका रूटीन है या मदर्स का जो भी आचार विचार है, उससे जल्दी प्रभावित होते हैं। तो अब इसी का बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी महाराज शिवाजी नहीं होते अगर उनकी मदर जीजाबाई ने उनको प्रेरित ना किया होता देशभक्ति के प्रति। वहीं पर अगर हम देखें गुरु गोविंद सिंह को हम आज पूजते हैं, हम उनको बहुत महान मानते हैं। क्यों महान बने वो? क्योंकि उनकी मदर माता गुजरी देवी, उन्होंने पूरी बचपन से उनको इस तरीके से ट्रेन किया कि वो देशभक्ति और धर्म रक्षा उसके प्रति आगे बढ़ते रहे। तो इसका मतलब, ये दो एग्जाम्पल देने का तात्पर्य यह है कि हर महिला जब मदर बनती है, जब माँ बनती है, तब उसका सबसे पहला दायित्व है अपने संतान, अपने बच्चों में सही संस्कार डालना, अपने बच्चों में प्रति मोटिवेशन डेवलप करना, धर्म रक्षा के प्रति उनको लेकर जाना, धर्म समझाना, पहली चीज के हमारा धर्म क्या है, ये चीज कौन समझा सकते, एक माँ ही समझा सकती अपने बच्चों को। दूसरी चीज देशभक्ति, जो इस समय युवा वर्ग में बहुत ज्यादा कमी है देशभक्ति की, आप सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे, क्यों कमी हो रही है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, पर राइट नाउ युवा वर्ग में जो देशभक्ति की कमी आ रही है, कहीं ना कहीं हम एज अ पेरेंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों के सामने देश के विरोध में कोई बात बोल दी है जिसका असर बच्चे के मन मस्तिष्क पर पड़ गया है। तो बच्चों को देशभक्ति के प्रति लेकर जाना ये कार्य भी माताओं का ही है। क्यों? क्योंकि माताएं ही मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हैं। तो माताओं का ये पहला फर्ज ये भी है कि अपने बच्चों को देशभक्ति और धर्म रक्षा के प्रति प्रेरित करना। उसके बाद में अभी हम आपने देखा कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको पूरी दुनिया एक आशा की नजरों से देख रही है। क्यों देख रही है? क्यों? क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं दुनिया को ये लग रहा है कि मोदी जी इस पूरे क्राइसिस से बचा सकते हैं। तो अब क्या पॉइंट आया कि मोदी जी में ये जो पॉइंट्स आए थे देशभक्ति के या धर्म के प्रति संस्कार की, ये कहां से आए? ऑब्वियसली उनकी मदर से आए, ये आप भी जानते हैं। मोदी जी हर बार अपने इंटरव्यूज में यही बोलते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं या जो भी मेरे संस्कार हैं वो मेरी माँ के कारण है। वहीं अगर हम दूसरे देखें, योगी जी, दोनों सन्यासी हैं, मोदी जी योगी जी दोनों सन्यासी जीवन जी रहे हैं, ना उनका पत्नी ना उनका परिवार है, ना वो अपने बच्चों के प्रति समर्पित, बच्चे हैं ही नहीं ऑब्वियसली। तो नाउ द पॉइंट इज कि ये दोनों एक सन्यासी का जीवन जीते हुए भी ये देश प्रेम और धर्म रक्षा के प्रति कार्य करते हुए आज पूरी दुनिया उनको एक्सेप्टेंस दे रही है। नाउ इन द एंड एक सिंपल सा मैसेज में देना चाहूंगी कि हम महिलाएं हैं, हमारे लिए महिला दिवस सिर्फ एक 8 मार्च तक ही सीमित नहीं है, हमारे लिए हर दिन महिला दिवस है, हमारे लिए हर दिन वुमेन्स डे है। क्यों? क्योंकि ऐसा हम नहीं सोच सकते कि मुझे तो सिर्फ साल के एक दिन ही कार्य करना है। अगर हम ये चीज सोच लेते हैं कि या हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ 8 मार्च को ही हम महिलाएं हैं, हमारी इम्पोर्टेंस है, तो हम इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं समाज को कि हमारे लिए तो 365 डेज में से सिर्फ एक दिन हमारा है एंड द रिमेनिंग 364 डेज आर फॉर मेन्स। सो एज अ वुमेन मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करें। रीजन, हमारे पूरे 365 डेज हमारे हैं, हम कोई ऑप्रेस्ड पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, हम पूरी दुनिया की 50% पॉपुलेशन है, हम ऑप्रेशन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे और 365 डेज हमारे हैं। 365 डेज हमको पूरी लगन से अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति कार्य करना है, तभी हमारे एक महिला होने की सार्थकता सिद्ध होगी।